हाँ जी, आज मैं अभी लीव्स पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली जो मैक्सिमम बार बार पूछ रहे थे हम, एक्चुअली लैक ऑफ टाइम हम नहीं आ पा रहे थे बार बार, तो इस बारे में हम थोड़ी वीडियोज़ बना लेते हैं थोड़ी सी एक छोटी सी। तो अभी मैं मेन पॉइंट्स ही देखो, जो तो आपको बीमारी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, भी आप हो सकता है कोई और दूसरी भी हो, बट अभी जो मेन मेन जो शिकायत आ रही है, जो मेन मेन मुझे लग रहा है कि आ सकती है आपको, मेन टारगेट होगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको पता है एक प्लांट के पास जो भी आया हूँ, तो मैं आपको इसमें यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं देखो थोड़ा जनरल आइडिया होगा, बाकी आपने क्या करना है, जो भी सिम्टम्स है ना वो आप अपने वहाँ पे मैच करके वो आपने खुद से समझने देख लेना वहाँ पे आपने, क्योंकि देखो आपके लिप्स का मुझे क्लिप में भी कई ने फोटोज़ भी भेजे थे, तो कई जगह क्या था कि क्लियर पिक्स नहीं दिख पा रही थी, ठीक है। तो उस तरह से हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैक्सिमम देखना जैसे आजकल किसी की वो कर्ली वाली बीमारी है, कर्ल हो गए हैं, सब पत्ते घूम गए, तो अब क्या होता है वो भी कई रीज़न के होते हैं, तीन चार रीज़न है, अब ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं बता सकते। चलो अभी मैं स्टार्ट वो करता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं आपके जो एफिड्स होते हैं, तो आपके जो हो गए लीप्स जो हो गए, ठीक है, कोई नए शूज है या किसी भी प्लांट में, आपने देखना कि लीप्स में आपके क्या होते हैं एफिड्स होते हैं, और वो एफिड्स इस तरह से होंगे, आपको दिख रहे होंगे ये ब्लैक वाले, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, इसको ब्लैक इंसेक्ट कहते हैं, और जो ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसका जो भी इसमें न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो सारा सक कर रहे हैं, ठीक है, उस सबको ये क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है इसको हार्म डैमेज हो रहा है लीप्स को। ये देखिए डैमेज क्या हो रहा है लीप को, देखो कैसी डैमेज हुई है। अब ये याद रखना कि अब ये मत सोचना कि ये डैमेज हो सकता है कुछ और हो, आप सोचोगे ये तो माइट का हो सकता है, इसमें ऐसा होगा, देखो माइट का अलग है, ठीक है, माइट का भी मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दूंगा भी, क्योंकि अभी हम जो बात करेंगे आज ना वो मेन करेंगे, एक तो हम करेंगे इस पर, ठीक है, जो आपके एफिड्स है, फिर हम एक जो बात करेंगे वो करेंगे हम क्या बोलते हैं आपके थ्रिप्स पे बात करेंगे, और एक हम कवर करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो है आपका मेन जो टारगेट होता है अभी, वो है पाउडर मिर्च, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अलग अलग तरीका है, तो आपने देखना। अब ये जो यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रिशन ले लिया इसने सारा, ठीक है। अब इसको ये नहीं सोचना कि ये हो सकता है पत्ती घूमी है तो माइट हो सकता, नहीं, मैं सब बताऊँगा। ये क्या है, न्यूट्रिशन ले लिया है, उसका रीज़न क्या होगा देखना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा इसमें क्या होंगे एफिड्स होंगे, ये देखो, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये सारे एफिड्स हैं, देखो अगर तो आपके पास एक प्लांट में बहुत सारे हैं तो आप उसको अलग से ट्रीट करो, ठीक है। अलग से ट्रीट करने के लिए जो है वो सिंपल है कि कोई भी आप एक इंसेक्ट, ठीक है, कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, या आप नीम ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नीम ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो। बट अब अगर ये कम है, मान लो जैसे इस प्लांट में ये यहीं पर है और कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये चीज़ें फिर कुछ मत करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेडिसिन यूज़ करोगे वो कोई नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आगे जाके रेस्टिंग की दिक्कत आएगी, कुछ आएगा। तो आपने क्या करना है, देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे प्रेडेटर्स कौन होते हैं, जो हमारे मित्र कीट, इसको बोलते हैं आप मित्र कीट, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल करते हैं इस पर, ठीक है। आप इसमें कहीं ना कहीं प्रेडेटर होगा हमारा मित्र कीट, देखिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करोगे तो वो मर जाएगा, फिर आपको दिक्कत करेगा ये, ठीक है। ये देखिए प्रेडेटर कौन से होते हैं, मित्र कीट, ये अब ये क्या कर रहा है, इसको खाने का काम कर रहा है, समझो बात को, ये क्या कर रहा है, इसको खा रहा है, ठीक है, इसका काम हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसने इसको खाना है और हमारा काम हो जाएगा, फिर स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हमारे प्रेडेटर मर जाते हैं, हमारे मित्र कीट मर जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि ऐसी इंसेक्टिसाइड करो जिससे इसको भी हार्म ना हो, ठीक है। अब ये काम हो गया इसका, अब इसमें हमारे को कोई भी प्रिकॉशन नहीं करना है, ये काम ये कर लेगा, ठीक है, ये समझना है। तो ये तो हमारा ब्लैक इंसेक्ट, ठीक है, जिसके बाद अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको एक बता, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं ना वो हम करते हैं एक वायरस, तो आपने देखा होगा इस तरह से आपकी लीप्स होनी कई जगह, मैं आपको एक लीप्स लाया हूँ निकाल के, ठीक है, इस तरह की कोई लीप्स होगी आपकी जो कर्ल हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी लीप्स पूरी कर्ल हो रही है, इस तरह की आपने देखी होनी लीप्स काफ़ी आपके ऑर्चर्ड में हम कई जगह मिली होगी, मैक्सिमम शिकायत आ रही है। तो आपने एक चीज़ वहाँ नोट करनी है, अगर आपकी लीप्स कर्ल हो रही है बट अंदर से थोड़ा क्या होता है कलरलेस, मीन्स थोड़ी सी उसकी ग्रीनिश जो है वो ख़त्म हो रही है, समझना है, अगर ये पूरा ग्रीन नहीं है, ठीक है, मान लो आपका लीफ पूरा ग्रीन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है इसमें और क्या हो रहा है आपके, अगर आपके लीफ में थोड़ी सी ग्रीनिश आपको कम दिखती है, दूसरा थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा येलो येलो भी है हमारा लीफ, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा कर्ल होना, ठीक है, कर्ल होना क्या हो जाएगा स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपको पता है ये कर्ल आपके कुछ इस तरह भी होंगे, ठीक है।
तो अगर इस तरह है तो याद रखना वो आपका जो है वो एक वायरस होता है जो आपके टूल्स से ही आया है, वो कहीं और से नहीं आया। वो जो आपने प्रूनिंग आपने टूल्स आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे थे, ठीक है, पहली चीज़ तो वो होगी। दूसरा क्या होगा कि आपके जो आप ग्राफ्ट यूज़ करते हो ना, मान लो हमने ग्राफ्ट किसी प्लांट से लिया वो इफेक्टेड था पहले वायरस से, तो उससे इसमें आया है, ठीक है। और फिर उसमें क्या है कि जो मोजाइक वायरस है तो उसका देखो अभी तक ऐसी कोई भी फंगीसाइड आपने यूज़ मत करना, कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि देखो अब जिस चीज़ को ज़रूरत नहीं है करने की उसको मत करो। दुकानदार है तो शॉपकीपर ने आपको चिपका देना है, ठीक है, वो तो आपको चिपका देगा 1800-2000 का वो दे देगा आपको प्रोडक्ट। और आपका जब वो ठीक होने लगेगा आप क्या सोचोगे कि मैंने मेरे उससे प्रोडक्ट से ठीक हुआ, और आप फिर नेक्स्ट ईयर आप वही किसी को प्रिस्क्राइब करोगे, आगे फ्रेंड्स को भी करोगे। लेकिन क्या होता है कि देखो प्रिकॉशन तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी पेटल फॉल पे आपने करनी है स्प्रे, ठीक है, तो उसमें सारे प्रिकॉशन कवर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसा कुछ मत करना। देखो यहाँ भी देखो मैं आपको रिलीफ दिखा रहा हूँ, अब इसमें क्या हो रहा है थोड़ा येलो शरा ग्रीनिश इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब होता है इसमें भी हो ऐसा वायरस, पर अभी कह नहीं सकता, कुछ और रीज़न भी होता है कि रिलीफ है यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आप देखना जहाँ आपके प्लांट में ना बहुत आजकल कर्ल दिख रहे होंगे कई जगह, ठीक है, बोल रहा है कि मेरी पत्तियाँ ही ख़त्म हो रही है। देखो अगर तो वो बहुत लेवल पार कर चुका है या तो आपको तो उस टाइम देखो उसका जो प्रिकॉशनरी है, ठीक है, उसमें तो ज़रूरत नहीं है, आप फंगीसाइड भी कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है। लेकिन क्या होगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वो आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, लीफ वापस आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी फंगीसाइड या कोई भी सिस्टमेटिक कोई भी इंसेक्टिसाइड अभी प्रेफर नहीं करी है, ठीक है, ना ही हम यूज़ करें, और लास्ट 2-3 ईयर से ज़्यादा ये आया है। तो आपने क्या जैसे आपकी गर्मी बढ़ेगी वो खुद बे खुद जो होता है वो कंट्रोल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आपने देखना उन प्लांट को जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी टेम्परेचर राइज होगा, लीप्स आपकी खुद कंट्रोल में जाएगी। तो ये तो होगा जिसमें आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये देखिए जो मैं प्रेडेटर की बात करते हैं, ये देखिए हमारे मित्र कीट ये होते हैं ये वाले, ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ एक ही हो गया। अब इसने ना कल को ये सारे यहाँ से साफ़ हो जाएंगे, तो बस यही है। तभी तो मैं कहता हूँ कि इंसेक्टिसाइड कम से कम यूज़ करो ताकि आपके जो मित्र कीट है जो प्रेडेटर है हमारे वो ना मरे। अब ये हमारे काम आ गए ना यहाँ पे, ये हमारा काम कर रहे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो वायरस आपका आ रहा है, आपकी लिप्स कर्ल हो रही है। लेकिन अब कर्ल मैं आपको एक और बताता हूँ, थ्रिप्स, ठीक है, आपका एक उसका रीज़न जो होता है वो थ्रिप्स भी होता है, ध्यान रखना थ्रिप्स भी होता है उसमें भी कर्ल होती है। अब थ्रिप्स का मैं आपको बताता हूँ, थ्रिप्स में क्या देखना है आपने, देखो उसके सिम्टम्स कैसे हो गए। मान लो ये हमारे पास लीफ है, ठीक है, या ये कोई भी लीफ है हमारी, थ्रिप्स में याद रखना माइट में क्या हो जाएगा, लीफ देखना ये साइड से ना माइट में कर्ल होंगे लेकिन नीचे को, दैट मीन्स कि हमारी माइट इसमें आ चुकी है, ठीक है। और जो थ्रिप्स होता है, ठीक है, जो थ्रिप्स होगी उसमें क्या होगा, ये हल्के हल्के कर्ल कहाँ होंगे, दोनों साइड से ऊपर को, ठीक है ना, समझ गए। थ्रिप्स में हमेशा ऊपर को ये हल्के हल्के कर्ल हो गए, दैट मीन्स कि ये हमारा थ्रिप्स है। और थ्रिप्स में देखो वैसे आपने मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आपने क्या करना है, एक लेंस मिलता है सस्ता मिलता है यार, 10-15 रुपये का लेंस मिलता है, उसको ले, ठीक है। आप उसको देखो आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक लार्वा टाइप में होते हैं, लार्वा वो छोड़ते हैं, ठीक है, तो लार्वा टाइप में होते हैं, तो वो आपको लेंस से आपको दिख जाएगा थ्रिप्स। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होना बहुत जरूरी है अगर आप फुल टाइम वॉचिस्ट हो तो। थ्रिप्स का तो ये है सिंपल सी बात है कि उसमें क्या हो जाएगा, कर्ल करना वो स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है उसमें कि देखो ये तो सिम्टम्स है थ्रिप्स के, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो उसका नुकसान होता है थ्रिप्स के, हम उसके देखो उसका जो कंट्रोलिंग है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जब आपके उसमें कर्ल होना स्टार्ट होगी लीव्स, ठीक है, थ्रिप्स की वजह से क्या हो जाएगी, पूरी कर्ल हो जाएगी लीव्स से, ठीक है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और देखो जब वो पूरी कर्ल होती है तब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और उसका कंट्रोलिंग का एक ही जरिया है कि आप उसमें सिस्टमेटिक इंसेक्ट यूज़ करना है, कौन सी सिस्टमेटिक, ठीक है, उससे क्या होगा कि सिस्टम तक, क्योंकि जो आपके थ्रिप्स होती है ये आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर लेते हैं, आपके जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर लेते हैं, ताकि वो आपके सिस्टम तक जाए, आपके सेल्स को जो है वो क्या है वहाँ पे आपका इंसेक्ट को मारे, ठीक। तो थ्रिप्स का यही है। और जो आप उसमें करोगे आपने सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करनी है अगर थ्रिप्स की आपको दिक्कत है। और दूसरा आपने उसमें क्या करना, आफ्टर 10 डेज, देखो 3 बार आपने रिपीट करनी पड़ेगी, आफ्टर 10 डेज आप कोई दूसरा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हो या वही कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सिस्टमेटिक फंगीसाइड भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ताकि आपकी फंगस भी ना रहे, ठीक है। तो ये आपने आफ्टर 10 डेज आपने रिपीट करनी है 3 बार, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, देखिए
और एक क्या होता है कि जब भी आप देखो सारी जितनी बीमारियां लीफ की ये स्टार्ट होती है हमारी, जब हम क्या करते हैं आफ्टर हमारा लीफ फॉल होता है उसके बाद हम लीव्स को हम पूरा तरह से हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तभी ये हमारी एंट्री होती है, याद रखना है। तो ये था थ्रिप्स के बारे में। अब है मेन फोकस। देखो मेन फोकस आपको पता ही है हम किस पे करने वाले हैं, वो है पाउडर मिल्ड्यू जो सबसे पहले आने वाला है। पेटल फॉल में पहली स्प्रे आप वहीं करोगे, पाउडर मिल्ड्यू सब उसमें कवर हो जाएगा आपका। देखो पाउडर मिल्ड्यू क्या होता है, अब इसके आपको ना पहले सिम्टम बताने चाहिए। देखो सिम्टम क्या होते हैं पाउडर मिल्ड्यू के, मैं बताता हूँ। देखो मान लो ये लीफ है, ठीक है। अब पाउडर मिल्ड्यू पहले बात क्या होता है कि पाउडर मिल्ड्यू टारगेट करता है, उसका मेन टारगेट होता है आपके पॉलिनेशन वैरायटीज़, जितने आपके गाला वैरायटीज़ या ग्रैनी स्मिथ हैं, ठीक है, जितनी भी रेड गोल्ड है, तो मैक्सिमम समर क्वीन है, तो इनमें सबसे पहले क्या होगा पाउडर मिल्ड्यू लगता है, ठीक है। सबसे पहले टारगेट करेगा वो इन चीज़ को। उसके सिम्टम कैसे होते हैं, देखो मान लो ये आपकी लीफ है और दोनों साइड से क्या हो जाएगी, ये ऐसी बनेगी, मान लो ऐसी बनेगी, मतलब कफ टाइप, समझ गए, कफ पता है ना वो कफ कैसे, कफ इसको बोलेंगे इस तरह से, मतलब समझो जब कफ टाइप बन गया दैट मीन्स कि हमारा पाउडर मिल्ड्यू आने वाला है, वो समझ लो कि इसमें पाउडर मिल्ड्यू आएगा, ठीक है। और नुकसान आपको पता ही है पाउडर मिल्ड्यू के, तो पाउडर मिल्ड्यू के सिम्टम ये वाले हैं, ठीक है। जब आपका इस तरह से आना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स कि हमारा पाउडर मिल्ड्यू आ गया है। फिर आपने उसके लिए देखो उसके प्रिकॉशनरी क्या है, अभी आपको पता है पेटल फॉल पर आप स्प्रे करोगे, देखो उसमें क्या आपको सिस्टमेटिक ही यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि आप कॉन्टाफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिस्टम कॉन्टाफ कर सकते हो, और दूसरा बेबिस्टिन भी उसमें आपका हल्का फुल्का काम कर लेता है पर उतना नहीं करता है। पर सबसे बढ़िया जो भी प्रेफर हम करते हैं माइक्लोबुटालिन। देखो एक तो सस्ता है, ठीक है, माइक्लोबुटालिन सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, आपको बाहर मिल जाएगा किसी भी यारा का मिल जाएगा, या आपको ग्रोमोर कंपनी का आता है उसका भी अच्छा है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इंडेक्स का आता है सबसे बढ़िया आपका, इंडेक्स का है, आप इंडेक्स का यार वो यूज़ करो। इंडेक्स का जो है वो नागार्जुना वालों का है, तो वो जो है वो आपको शायद मुझे लग रहा है शायद 240 या 250, मतलब 250 रुपये का आपका एक ड्रम पड़ेगा, 100 ग्राम पड़ना है। तो माइक्लोबुटालिन बहुत ज़रूरी है, आप उसको ऐड करो, ठीक है जी। तो माइक्लोबुटालिन हो गया, आपने वो ऐड करना है, बहुत ज़रूरी है, उसको करो। और कुछ लोग क्या करते हैं स्कोर, पाउडर मिल्ड्यू के लिए स्कोर करते हैं पेडल बॉल पे, तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, स्कोर से क्या होता है कि आपकी नेक्स्ट ईयर की क्रॉप पे भी उसमें असर पड़ेगा। और अगर आपने दो डोज कर दिए स्कोर के साल में तो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप आपकी स्किप कर जाएगी, एक साल की क्रॉप उड़ गई समझो। तो आपने एक बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाउडर मिल्ड्यू मेनली तो आपकी जो इन चीज़ों से आएगी, आपकी जो कोई पॉलिनेशन वैरायटी वो इससे ही फैलता है, ठीक है, बाकी तो प्लांट्स में आपके बाद में आती है। तो इसका वही है सिम्टम कि जहाँ भी आपकी लीफ आपको दिख रही है कि ये मेरी मालूम कर लो ना ये कफ टाइप बन गया है, तो आपने उस प्लांट को अलग से ट्रीट करना है, उसको सब प्लांट के साथ ट्रीट मत करना है, ठीक है, उसमें मार्क कर लो और अलग से ट्रीट करो। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, उसके लिए माइक्लोबुटालिन है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अच्छा एक बात और रहती है माइट। देखो माइट का क्या है, माइट में मैं आपको सिंपल बताऊँ, जिसके लास्ट ईयर माइट थी, देखो जो तो सिम्टम है वो बता दिया, जब आपकी साइड से कर लो ना नीचे को स्टार्ट हो जाए दैट मीन्स कि माइट एंटर कर चुकी है। दूसरा तो क्या होता है कि माइट आपकी जो आप इसमें करोगे पेटल फॉल पे ना मेलाथियन वगैरह, तो माइट वहाँ से भी, एक तो माइट तो वैसे भी मार देता है। फिर आपने माइट में क्या करना है, जिसके लास्ट ईयर माइट थी, देखो उसको तो मैं कहता हूँ उसको तो करनी ही पड़ेगी, आपने क्या करना है वॉलनट स्टेज से पहले पहले आपकी एक मैडन मिलती है, ठीक है, आपको सरकारी हॉर्टिकल्चर उसमें भी मिल जाएगी, सस्ती मिलेगी, मैडन मिलती है एक फंगीसाइड, ठीक है, आपने पहले वो डोज यूज़ करना है। उसके मीन्स आपने 15 डेज़ के अंदर, ठीक है, 15 डेज़ के अंदर आप बोर्नियो भी मिलती है, ठीक है, आप वो वाली फंगीसाइड यूज़ करो, बस आपने वही कंट्रोल है, आप वैसे ही उसको कंट्रोल आप कर सकते हो माइट को, ठीक है। सो थैंक यू, ये तो थोड़ी लीफ के बारे में इंफॉर्मेशन।